चैनल में खुश आमदी। इसमें मौजूद हूँ खट्टा मार्केट मेमन सोसाइटी। अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बड़ी सी कढ़ाई में तैयार किए जा रहे सैंडविच। आपने सैंडविच अमूमन खाए हैं सैंडविच मेकर में, लेकिन यहाँ सैंडविच तैयार किया जा रहा है डीप फ्राई। उसके साथ दी जा रही है जबरदस्त इनकी अच्छी चटनी और चाट मसाला। क्या प्रोसेस है, क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, अगर आपको मैं अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियोस मिलते रहे। तो दिखाते हैं आज की वीडियो में जबरदस्त मिनी सैंडविच जो डीप फ्राई हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है फयाज भाई जो वक्फा जो है सैंडविच पार्सल करके दे रहे हैं, जिनको टाइम नहीं मिल रहा और ना बात करने का ना ही इनका हाथ रुक रहा है। इनसे जानेंगे क्या राज है और क्या इसका प्रोसेस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फयाज भाई, पहले तो ये बताएं कि सैंडविच मेकर में अच्छे लगते हैं या क्या अपने शोले आगों में डाल दिए इसको? हमारा सैंडविच जो है ना फ्राई सैंडविच है। जी, सैंडविच मशीन में तैयार किया जाता है, ये डीप फ्राई तो होता भी नहीं है। नहीं, हमारे फ्राई सैंडविच वाले मशीन वाले अलग होते हैं। इसमें आपने बेसन डाल दिया इसलिए फ्राई हो गया। जी, बेसन करके इसको तेल में डीप करते हैं तो ये फ्राई। क्या खास बात है जो बेसन आपने इसके अंदर डाला है? क्या इसको बढ़ा दिया आपने या इसको थोड़ा जानदार कर दिया, मोटा कर दिया सैंडविच को? ये बेसन का अपना एक जायका है ना, चने की दाल का। हाँ, और इसके अंदर क्या आप दे रहे हैं सैंडविच के अंदर? सैंडविच के अंदर सारे मसाले होते हैं, गरम मसाले, आलू का भुर्ता, सैंडविच के अंदर जो है आलू का भुर्ता है, मसाले हैं, बहुत सी चीजें हैं, किस्म की सब्जियां। इतने से सैंडविच में इतनी सारी सब्जियां आ गई? नहीं, सब्जियां हैं ना पाकिस्तान में, वो सारी जाती है। अच्छा, इतने से सैंडविच में सब्जियां भी है, आलू भी है और मसाला भी है। सब्जी कौन सी है? पालक है, धनिया है, सोया है, बहुत सी चीजें हैं। तो इससे जायका बढ़ जाता है। और अगर ये बेसन नहीं लगता तो ये फ्राई नहीं होता? फ्राई नहीं होगा ना वो। आपको पता है कि बेसन लगने से थोड़ा कड़कपन भी आ गया आपके सैंडविच में, देख रही हूँ, क्योंकि क्रिस्पी भी हो रहे हैं थोड़े और थोड़े हेल्दी हो गए। हेल्दी हो गए ना, वो डीप जाते हैं ना तो फूल जाते हैं। मतलब इसको साइज ना बरकत ही बढ़ा दिया, मोटा कर दिया है। और कितने का एक सैंडविच है? 10 रुपए का। कितने साल हो गए वैसे इस काम को? हमारे इस काम को 30 से 35 साल हो गए। 30 से 35 साल। जी, बाल आ गया है फयाज भाई आपके, आना बुढ़े हो गए ना। कितनी उम्र में स्टार्ट किया? मैं अबू ने स्टार्ट किया था, मैं 10 साल की उम्र से आना शुरू किया हुआ मैंने। मतलब शादी भी नहीं हुई थी जब आपकी, और जब मंगनी हुई तो पार्सल वार्सल पहुँचाया भाभी को? हाँ, सब आता है। भाभी शौकीन थी सैंडविच की? थी हमारी। ओलो जी, पड़ोसी थी तो खूब रोज पार्सल जाता था। और पार्सल जाता था। अभी भी खाती है? खाती है। सब। आलू का भुर्ता कौन बनाता है? भाई बनाते छोटा। मैंने सुना आपकी जो चटनी की बहुत ज्यादा खास है। चटनी कहाँ से तैयार होकर आती है चटनी आपकी? चटनी घर में ही बनाते हैं, सारे घर में। टमाटर की है? टमाटर फुल टमाटर है, धनिया है, पालक है, सोया है, बहुत सी चीजें हैं। चटनी में भी सब्जी है? हैं, चटनी में भी पालक, सोया है, हरी मिर्च है और टमाटर है। अब तो टमाटर भी सस्ते हो गए फयाज में, खुशी हो रही है। महंगा था तो फिर क्या करते थे? यही टमाटर ही होते थे। हो गया, सस्ते होने की कितनी खुशी होती है? नहीं, खुशी तो है नहीं पाकिस्तान में, आपको पता है? नहीं, खुशी गम है। वैसे ये 10 रुपए में आपको कितना महंगा पड़ रहा है या सस्ता पड़ रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे महंगाई तो बहुत हो गई है, महंगाई के हिसाब से। क्या दर्जन क्या है? 120 रुपए। और ये मसाले की क्या क्वालिटी? मसाला ये मसाला भी अपना ही है, क्वालिटी वाला है। रमजान में क्या सीन है फयाज भाई? रमजान में 1 महीना आराम करते हैं। रमजान में तो और काम चलने वाला है? रमजान में रोजों में काम नहीं होता है। नहीं होता, नहीं होता। रमजान में छुट्टियां इनकी और पूरे दिन ये काम करते हैं। एड्रेस बता दे फयाज भाई हमारे चैनल। ये अपना मेमन सोसाइटी है, खड़ा मार्केट है, ओखाई हॉस्पिटल के नीचे हम बैठे हुए हैं। किस नाम से? निहाल फूड के नाम से। निहाल फूड के नाम से जो नन्ने मुन्ने से सैंडविच तैयार किए जाते हैं, आप तो एक ही बाइट में खा लेंगे इसको? हाँ, खा लेंगे एक ही बाइट में। इतना अच्छा, छोटे छोटे से आपका, ये रिफ्रेशमेंट के लिए भी अच्छा है। ये
सुबह भी चलता है, दोपहर भी चलता है, रात भी चलती है। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक। नाज़रीन, आपने इस किस्म की चटनी देखी है? मैंने हमेशा देखी है लाल या हरी, लेकिन ये अलग ही इसका कलर है और अलग ही खुशबू आ रही है। इसके अंदर डाले गए पालक, सोया, टमाटर डाला है और इमली का पल्प डाला गया है और ऊपर से चाट मसाला है। ये नन्हे नन्हे से शहजादे सैंडविच, नन्हे नन्हे से, लेकिन नन्हे होने के बाद मोटे हो तगड़े हो गए, क्योंकि बेसन में डिप किए जाते हैं और फिर फ्राई होता है। इसमें भी आपको सब्जियां मिलेंगी, आलू की ताकत मिलेगी, सब्जियों की ताकत मिलेगी। 10 रुपये का एक सैंडविच है, तो टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसे इसका जायका है। जुड़े रहिए। वो मेरा मुंह कटा हुआ है और धमाकेदार चटनी है इनकी, मतलब इतनी खट्टी। लड़कियों जलो मत, आ जाओ फयाज भाई के पास, खट्टा मार्केट, मेमन मस्जिद, मेमन सोसाइटी, मेमन सोसाइटी के पास। यहाँ मिल रहे हैं जबरदस्त सैंडविच और आपके मतलब की चटनी है, मेमन लोग के मतलब की, जो मेमन लोग चटोरे होते हैं ना, उनके मतलब की चटनी है और चाट मसाला भी बड़ा कमाल का है, बहुत अच्छा जायका है। दोपहर में भी खाएं आप, सुबह भी खा सकते हैं, ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप इस टाइम भी खाएं। मेमन सोसाइटी में आए, खड्डा मार्केट मेमन सोसाइटी में आएंगे और फयाज भाई के ज़बरदस्त मिनी सैंडविच टेस्ट करेंगे और कमेंट से बताएंगे कैसा इसका जायका है। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान सलोमा छोटी को दी इजाज़त, देखते रहिए डेली नया।